अब्दुल रहमान अख्तारी 52 कराची से बात कर रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे फजर के वक्त अक्सर वजू बना के नमाज में थोड़ा टाइम होता है ताकि उसमें नमाज होती है, तो उस वक्त अगर नींद आ जाए और गहरी नींद आ जाए तो उस वक्त क्या वजू छूट जाते हैं? इसमें नींद की हालत में वजू कब टूटता है? सही, तो इसकी सूरतें हैं, तो तफसीलन बहार शरीयत में नींद से वजू टूटने का वो बयान देख लिया जाए, तफसीलन उसके अंदर सूरतें मौजूद हैं। इजमाली तौर पे मैं अर्ज़ कर देता हूँ कि एक आदमी जम के बैठा हुआ है, ठीक है, कि सुरीने ज़मीन पर या तख्त जैसी सख्त चीज़ के ऊपर जमी हुई हैं, इस सूरत में अगर वो नींद में आ गया, झोंके ले रहा है, तो इस तरह झोंके लेने से नींद आ जाने से वजू नहीं टूटेगा। हाँ, अगर ये करवट के बल सो रहा है, अब इस पे ऐसी गफलत तारी हो गई, नींद तारी हो गई, अब ये कैफियत ऐसी है कि इस कैफियत में नींद गफलत वाली आती है, सही, तो अगर कोई करवट के बल सो रहा हो तो इस सूरत में सोने से वजू टूट जाएगा। ठीक, अब चार जानू या दो जानू या नमाज के लिए जिसे हम बैठते हैं तहियात की कंडीशन में, इस तरह अगर कोई बैठा हो और इस दौरान अगर वो झोंके ले रहा हो तो इस तरह बैठ कर नींद आ जाने से वजू नहीं टूटता। नमाज के अकाम में भी अमीर सुन्नत ने इसे जिक्र फरमाया, वहाँ भी आप चाहें तो इसे देख सकते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाल्लाह।